मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुमरा के एमएम वली पर। आपको बता दें कि मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय जो है यहां पर ठीक सामने इसके 25 फरवरी को जो है एक एमआईएम पार्टी के तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल ये सभा इसको कहेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक सभा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जो सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर सैफ पठान और अपने तमाम एमआईएम कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद है और इस सभा को लेकर हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सैफ भाई, यहाँ पर 25 फरवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है, दरअसल वो कितने बजे से कितने बजे तक जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि हम लोगों की जो सभा है शाम 5 बजे चालू हो जाएगी। यहाँ पर 5 बजे से 10 बजे तक यानी सभा रहेगी। ये सभा दरअसल जो है कुछ शहर के ताल्लुक से हो रहा है या किस वजह से इतने बड़े सभा का आयोजन किया जा रहा है? देखिए कि ये सभा जो है पूरे हिंदुस्तान के ताल्लुक से, आप तो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमेशा उनके लिए बोलते, तो पूरे हिंदुस्तान के ताल्लुक से। हाँ, स्पेशली ये मुमरा में रखी गई है, मुमरा के मुद्दों पर भी आने बहुत खुलकर बातें होगी। यहाँ पर हमारे जितने भी लीडर हैं पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सब मुमरा के ताल्लुक से भी बात करेंगे। अच्छा, ऐसा भी मुमरा शहर में कहा जा रहा है कि आप जो है असदुद्दीन ओवैसी से कई बार मिल चुके हैं, मुमरा शहर के जो हालात हैं उसको लेकर आपने कभी उनसे कुछ चर्चा वगैरह की है कि जिस तरह से हालात हैं उनको काफ़ी पहले आना चाहिए था लेकिन कई साल पहले वो आए थे या तो फिर अब आ रहे हैं? देखिए कि मैं ऐसा नहीं लग रहा है कि देर की उन्होंने आने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होगा कि जब यानी 2017 में इलेक्शंस हुआ, 2019 में इलेक्शंस हुआ, किस तरीके से शहर में से एक कैंडिडेट उनको धोखा दिया, उसके बाद उनका भी थोड़ा यानी नाराज़गी थी, दिल दुखा था कि यहाँ पर यानी हमको इतना बड़ा धोखा मिला। उसके बाद वो आना चाहते थे, फिर कोविड आ गया, कहीं ना कहीं बीच में कोविड चला, तो कोविड के चलते देरी हुई, तो 2020 में ही साहब आ जाते थे या 2019 के एंड में ही आने वाले थे। कोविड के चलते मामला थोड़ा रुक गया, NRC NPR फिर उसके बाद कोविड, ये सब मामला में रुक गए। इंशाल्लाह ताला अब आए, अब इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो ये तैयारी किस तरह से आप लोगों की जारी है, कहाँ स्टेज लगेगा और लगभग कितने लोगों का आप लोगों का यहाँ पर आने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए कि हमारे जो स्टेज लग रहा है वो यहाँ पर लगेगा, आप देख सकते हैं हम लोग MMLE के पास खड़े हैं, MMLE टावर के सामने, मुमरा प्रभाग समिति स्टेडियम के बीच में यहाँ हमारा स्टेज लगेगा। और आपको पता है कि हमारे स्टेज पे यानी जितने हमारे पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं MIM के, असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इंशाल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, उसके अलावा हमारे जो बिहार के सदर है अख्तरुल ईमान साहब है, हमारे जो UP के अध्यक्ष शौकत अली साहब है, दिल्ली के अध्यक्ष कलीम हफीज साहब, यानी गुजरात के अध्यक्ष का साबिर काबले वाला, तो सब यानी टोटल पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप वो स्टेज पे आने वाली। हमारे जितने MLAs हैं महाराष्ट्र के, दोनों हमारे MLAs आने वाले हैं, तो यहाँ पर लगेगा। और पब्लिक, आपको पता है कि सिर्फ असद भाई और अकबर भाई आ जाए तो कोई पब्लिक का अंदाज़ा लगा नहीं सकता, तो पब्लिक की तो हमको कोई अंदाज़ा है नहीं कि कितने, इसके लिए हमने ये रोड चुना है कि रोड एंड तक भी अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह ताला पूरा भर्ती होगा। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो सभा है ये आने वाले चुनाव 24 में हो या 23 के आखिरी में हो, तो फिर इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो किस तरह की जो है उम्मीदवारी भी रहेगी? इंशाल्लाह ताला देखिए उम्मीदवारी तो हमारी पूरी रहेगी, हम पूरे यानी शहर में हमारे कैंडिडेट्स उतारेंगे और ऐसी सभाएं तो ये हमने पहली शुरुआत की है, इंशाल्लाह ताला इससे चलती रहेगी और भी सभा आएगी। अच्छा, उम्मीदवारों को भी लेकर एक सवाल खड़ा किया जाता है, क्या कितने भरोसेमंद रहेंगे जो उम्मीदवार रहेंगे? इंशाल्लाह ताला पूरे भरोसेमंद रहेंगे, जो छटना थे, जो यानी धोखेबाज थे, जो भी वो आ गए और चले गए। अभी जो हम लोगों की टीम है, आपने देखा होगा पिछले साल डेढ़ साल से जब से मैं वापस आया हूँ शहर में, और MIM पे लोगों को कितना भरोसा हो गया है और लोग पूरी तादाद में ताकत से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से जुड़े हुए, कितने यानी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। शहर की आवाम आज खुद बोलती है कि इस शहर में कोई अगर अपोजिशन है तो वो MIM है, तो वो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, पहले जो होना था हो गया, इंशाल्लाह ताला इस बार बेहतर फैसला होगा। अहमद भाई, क्या कहेंगे आप, यहाँ पर ओवैसी साहब का आना हो रहा है, अभी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मुमरा गौसा के लोग तो खैर यहाँ रहेंगे, बाकी पूना है, नासिक है, जो के औरंगाबाद है, सभी जगह के लोग जो है यहाँ पर पब्लिक आने वाली है। और यहाँ की जनता को भी मेरी एक अपील है, एक गुजारिश है कि वो लोग भी सारे के सारे जो है वो MMLE में आवे और असदुद्दीन साहब की और जितने भी जो लोग हैं उनकी तकरीर सुने।
साहब भाई ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से MM Valley पे ये कार्यक्रम हो रहा है 25 फरवरी को, लेकिन यहाँ पर ये रास्ते का जो है रूट किस हिसाब से रहेगा, जो लोग आने वाले रहेंगे उनका किस तरह से जो है बंदोबस्त किया गया है? देखिए जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पर स्टेज रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि यानी पीछे शिमला पार्क का जो रास्ता आप वहाँ से आ सकते, लेकिन हमारी आपके यानी माध्यम से लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोनाजी नगर से जो 90 फीट रोड अंदर आता है MM Valley में, वो वहाँ से आए ताकि आपको वहाँ पार्किंग मिल सकती है, वहाँ पर आपकी पार्किंग रह सकती है और आप वहाँ से अंदर की तरफ आ सकते हैं पूरा रास्ता। मतलब अगर गाड़ियाँ आप थोड़ा नाके पर खड़ा करके और पैदल चले आएंगे तो बेहतर। नाके पे आपको खड़ा करने की जरूरत नहीं, आप अगर ये 90 फीट रोड पे जाओगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ 1000 गाड़ियाँ भी आई तो इतनी जगह है कि यहाँ रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी। और हम लोगों ने स्पेशली पार्किंग के लिए आपके बहुत से मैदान यहाँ पर ओपन है, पीछे आप पीछे जहाँ पर इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर पार्किंग कर सकते हो आप, उसके बाजू में जो रोड एक तरफ का बंद है आप वहाँ पार्किंग कर सकते हो, आप आते हो तो कादर पैलेस के लिए जो रास्ता जा रहा है तो वो रूट सबसे बेस्ट है। हमारी आवाम से मुमरा के लोगों से सबसे ज़्यादा अपील यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो रोड से आने की कोशिश करें। तो वॉलंटियर कितने रहेंगे? हमारे वॉलंटियर्स पूरे मौजूद रहेंगे, हमारे इंशाल्लाह ताला 500 से 1000 वॉलंटियर्स खड़े रहने वाले, आपको रूटिंग बताने वाले, हमारी पूरी टीम अवेलेबल रहेगी, आपको बराबर गाइड्स करेगी कि कहाँ पर आपको गाड़ी रुकाना है, कहाँ पर आना है। आप एक बार वो रूट से आए, आप ये रूट से आ सकते हो, आप किसी शिमला पार्क का रूट है थोड़ा वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे इतने VIPs यहाँ से आएंगे तो हम ये चाहते कि रास्ते शिमला पार्क से ना आकर आप ना आकर के शहरवासियों से मेरी अपील है कि शिमला पार्क से ना आकर के अगर आप वो रूट अपनाते हो मित्तल तो की तरफ मित्तल, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक अनएक्सपेक्टेड, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि पूरे यानी मैं समझ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अगर हमारे लीडर आ रहे तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम भी आने वाली है उनको सुनने के लिए, क्योंकि इतना ये समझिए मुमरा को शर्फ मिला है कि यानी मौका मिला है कि इतनी बड़ी लीडरशिप MIM की जो लीडर है, कोई छोटे लीडर तो है नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाने थे, इतनी बड़ी लीडरशिप एक साथ यानी एक स्टेज पर देखने मिली। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी मुमरा के तमाम आवाम से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएं और इस जलसे को जो है कामयाब करें। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर 25 फरवरी को जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ पर आपको देखेंगे कि स्टेज बनाने के लिए जो है यहाँ पर सामान भी आ चुके हैं, यहीं पर स्टेज जो है बनाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अगर आपको इस सभा में आना है तो जो MM Valley आने के लिए मित्तल की तरफ से रास्ता है वहाँ से आप यहाँ पर जो है पहुँचे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर शिमला पार्क की तरफ से आप आएंगे तो काफ़ी ट्रैफिक का इशू यहाँ पर हो सकता है, इसलिए आप मित्तल की तरफ से आने की कोशिश करें।